दोस्तों धरती पर 70 प्रतिशत केवल पानी है समुद्र से लेकर बर्फीली चट्टानी और नदियाँ इनमें आती है दुनिया में कुल पांच महासागर है जिनकी कोई सीमा नहीं है कहा जाता है कि महासागरों की शुरुआती और अंतिम छोर का पता लगाना असंभव माना जाता है आए दिन रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इन महासागरों से जुड़ी नई नई खोज करते रहते हैं अभी तक महासागरों का केवल 20 प्रतिशत भागों का ही गहन अध्ययन हो पाया है इन महासागरों की गहराइयों में न जाने कितने राज अभी भी छुपे हुए हैं आज हम आपको महासागरों से जुड़े ऐसी जानकारी देंगे कि वो आपको हैरान कर देगी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं मगर भले ही ये दोनों महासागर आपस में मिलते जरूर है लेकिन इनका पानी एक दूसरे से मिश्रित नहीं होता है जी हाँ, हो ना हैरान, पर ये सच है। हिंद महासागर महासागर और प्रशांत महासागर का पानी अलग अलग रहता है एक नीला दिखता है तो एक हल्का हरा दिखता है इस जगह और यहां के दो रंगों के पानी के इस दृश्य की फोटो सबसे पहले केंट स्मिथ नाम के एक फोटोग्राफर ने जुलाई 2010 में अलास्का में ली थी अलास्का की खाड़ी में इस जगह पर दोनों महासागरों के पानी में अंतर साफ देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह पर दोनों रंगों का पानी आपस में मिश्रित नहीं और अलग अलग रहता है इन दोनों महासागरों के पानी पर कई बार रिसर्च भी की जा चुकी है वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण है खारे और मीठे पानी का घनत्व तापमान और लवणता, यानी डेंसिटी टेम्परेचर एंड सैलिनिटी का अलग अलग होना इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ग्लेशियर से बने सागर का पानी मीठा होता है वही समुद्र का पानी खारा होता है जहाँ ये दोनों सागर मिलते हैं वहाँ झाँक की एक दीवार बन जाती है यही वजह है कि अलग डेंसिटी के कारण इनका मिश्रण मुश्किल से होता है और ऐसा लगता है कि ये दो महासागर मिलते तो है पर मिश्रित नहीं हो पाते हैं